22.5 करोड़ लूट का आरोपी कैश वैन ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी लूट के आरोपी को 12 घंटे के भीतर ही ओखला इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ओखला मंडी के एक गोडाउन से लूट की रकम भी बरामद कर ली है। पाक से क्रिकेट रिश्तों पर फैसला आज, सरकार दिखा सकती है हरी झंडी। पाकिस्तान सरकार से मंजूरी के बाद अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है। बीसीसीआई के लेटर का जवाब आज होम मिनिस्ट्री दे सकती है। दिसंबर में श्रीलंका में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 मैच खेले जा सकते हैं। आज हो सकता है पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान। प्रताप सिंह बाजवा और कांग्रेस विधायक दल के नेता सुनील जाखड़ के इस्तीफे के बाद आज नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इस रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और अंबिका सोनी सबसे आगे हैं। गाय को लात मारते वीएचपी कार्यकर्ताओं की तस्वीर हुई वायरल। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल की अस्थि कलश यात्रा के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने गाय को लात मारे जाने की तस्वीर पर वीएचपी प्रवक्ता ने सफाई दी है। कार्यकर्ताओं की पहचान कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। तुर्की के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाने की तैयारी में रूस। फाइटर प्लेन क्रैश के बाद रूस और तुर्की में तकरार बढ़ती जा रही है। रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने इशारा किया है कि तुर्की के खिलाफ जवाबी एक्शन की तैयारी की जा रही है। आज से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच पहला डे नाइट टेस्ट। 138 साल के इतिहास में पहली बार लाल की बजाय गुलाबी गेंद और दिन की जगह डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा है। एडिलेड में मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मौजूदा सीरीज का ये तीसरा व आखिरी टेस्ट है। रणबीर दीपिका की फिल्म तमाशा रिलीज। इम्तियाज अली की मोस्ट अवेटेड फिल्म तमाशा रिलीज हो गई है। इसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं। इसके सॉन्ग पहले ही हिट हो चुके हैं। मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते। अब नजर डालते हैं आज के शेयर मार्केट पर। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।